वेलकम टू जीके विद करंट अफेयर्स। आज है 13 जून 2022। 13 जून 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे आज इस व्यू में देखेंगे तथा उन्हें डिस्कस भी करेंगे और मैं उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखें और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जून 2022 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों में श्रीमती मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को समर्पित किया है? तो पणजी, जहां ये बनाया गया है, 400 साल पुराना हाउस है। वित्त मंत्री का आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह 11 जून 2022 को संपन्न हुआ। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पणजी गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को समर्पित किया और उसके बाद जीएसटी गैलरी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने लर्न बाय प्ले श्रृंखला के तहत बोर्ड गेम्स, 3D पजल्स और कॉमिक्स बुक्स का भी एक सेट भी लॉन्च किया है। बारहवां विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल में शुरू हुआ है? तो स्विट्जरलैंड। बारहवां विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हुआ है। चर्चा और वार्ता के प्रमुख क्षेत्रों में विश्व व्यापार संगठन की महामारी की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी, वार्ता और कृषि मुद्दे शामिल होंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल जी करेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? तो अमनदीप सिंह गिल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। गिल 2016 से 18 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। वह अब इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव IDAIR प्रोजेक्ट के CEO हैं। नेक्स्ट, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। वह कम से कम विकसित देशों, भूमि से घिरे विकासशील देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए उच्च प्रतिनिधि भी होंगी। वह जमैका के कहने रेंट्रे की जगह लेंगी, जिन्हें सेफडी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा। MS विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी रजिस्टर NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के कार्यकाल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। वह राज्य सरकार ने सज्जन सिंह, अमर सिंह पड़वाल की पंचमहल जिले के साथ साथ दाहोद और छोटा उदयपुर जिलों के लिए डॉक्टर रंजीत सिंह नायक और भार्गव त्रिवेदी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स
एनआरसी ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक वैक्सीन लॉन्च की है। आईसीएआर के अनुसार एनोकोवैक्स जानवरों में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने में असरदार साबित हुई है। इस वैक्सीन के साथ ही जानवरों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक डिटेक्शन किट भी कैनकोव टेस्ट 2 एलिसा के नाम से भी लॉन्च की गई है। हाल ही में कौन भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश बना है? थाईलैंड। थाईलैंड भांग की खेती को वैध करार देते हुए इसे गैर कानूनी धारा से मुक्त करने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया है। इस देश में भांग के उत्पादन को कानूनी बनाने और अपराध से मुक्त करने का कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका मनोरंजन या नशे के लिए इस्तेमाल अभी भी अवैध है। प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को, और 12 जून को रूस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन ने पहली बार 2002 में बाल श्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलनों का समर्थन करना है। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई सप्ताह 3 से 12 जून तक मनाया जाएगा। यह दिन सरकारों, रो श्रमिक संगठनों और नागरिक समाज का ध्यान बाल श्रमिकों की दुर्दशा की ओर दिलाता है। SDG 8.7 मजदूर श्रम को खत्म करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना, आधुनिक दासता और मानव तस्करी कोष बसे बुरे रूपों को निषेध और उन्मूलन को सुरक्षित करना सुनिश्चित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यह उन्हें खिताब की हैट्रिक भी थी। गुकेश ने अंतिम दौर में आर्मेनिया के GM हाइक एम मोंटीरोसियन से 8 अंकों के साथ खिताब जीता है। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ ने शहर में एक महत्वपूर्ण चौराहे को चुना और अगले 15 दिनों में इसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपे हैं। नेक्स्ट, रोड्रिगो चाव्स ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो कोस्टारिका। रोड्रिगो चाव्स ने हाल ही में कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण का वादा करते हुए यह शपथ ली है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक और इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विलय RBI के लघु वित्त बैंक नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है। अगले महीने से फिलिंग स्टेशनों पर ईंधन कोटा योजना शुरू कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका। अगले महीने से यानी जुलाई से फिलिंग स्टेशनों पर यानी पेट्रोल पंपों पर ईंधन कोटा योजना शुरू करने जा रहा है, क्योंकि वहां क्राइसिस है और तेल की बहुत ज़्यादा कमी है। भारत ने किस देश के उपरक्षा मंत्री को 50 बिस्तरों वाला मैत्री अस्पताल सौंपा है? तो तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में भारतीय राजदूत विराज सिंह ने शनिवार को
50 बिस्तरों वाला भारत तजाकिस्तान मैत्री अस्पताल ITFH तजाकिस्तान के उपरक्षा मंत्री मेजर जनरल सोहियोन अब्दुसोत्तोर को सौंप दिया है। उन्होंने अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, प्रयोगशालाओं, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और प्रशासनिक वाहनों सहित चिकित्सा उपकरण, दवाएं, स्टोर और सहायक उपकरण तजाकिस्तान पक्ष को सौंप दिए हैं। हाल ही में जर्मनी द्वारा जारी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो जर्मनी द्वारा जारी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में शीर्ष पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भारत के विद्युत मंत्रालय ने भारत के नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 को अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत उपभोक्ता बिजली वितरण कंपनियों से हरित बिजली की मांग कर सकते हैं। सभी उपभोक्ताओं को ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है और हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेनदेन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट तक कर दी गई है। कौन सा शहर अमेरिका के शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? लॉस एंजिल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और दुनिया के दर्जनों अन्य नेता अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन के लिए लॉस एंजिल्स में एकत्र हुए हैं। अमेरिका का शिखर सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और यह आवर्जन, व्यापार और गरीबी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के देशों के प्रतिनिधियों के साथ लाता है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1994 मियामी में पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख है या उल्लेख किया गया है? तो हिंदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया है। 10 जून 2022 को पारित प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिंदी साहित्य आधिकारिक और गैर सरकारी दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने का आग्रह किया है। संकल्प में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी अहम। अब क्वेश्चंस के आंसर पिछली वीडियो के लगभग दोस्तों ने आंसर उनके सही दिए। तो इस प्रकार, अफगानिस्तान को छोड़ने वाला आखिरी अमेरिकी सैनिक कौन है? तो इसका सही जवाब है क्रिस डोनाहुए। और अभी ये क्वेश्चन BPSC में पूछा था इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और दोस्तों एक बात और बताते हैं, आज UPSC का पेपर हुआ जिसमें हमारी वीडियो से सारे क्वेश्चंस उस पेपर्स में आए हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो हमारी अच्छी लगेगी और दोस्तों आपको यह खुशी भी होगी कि हमारी सभी वीडियो से लगभग हमने जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाते हैं उनमें से सारे क्वेश्चंस UPSC में आज पूछे गए हैं। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज गंडावल हिमाचल प्रदेश में बनेगा। अब क्वेश्चंस आपके लिए जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 में पैरा शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 22वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही सफलता मिलेगी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे कि डेली मॉर्निंग में आने वाली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो जीके विद करंट अफेयर्स ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट। थैंक्स। गुड बाय। जय हिंद। जय भारत।